पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें तोशखाना मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। तोशखाना मामले में मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। इमरान पर पीएम रहते मिले तोहफे से जुड़ी जानकारी छुपाने और कुछ तोशखाना से निकाल कर बेचने का आरोप लगा था। अभी 17 अक्टूबर को ही पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिबंधित वित्त पोषण मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को कथित रूप से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर जनता का क्या रिएक्शन है, आइए बताते हैं। एक यूजर लिखते हैं, वहाँ का चुनाव आयोग मिलिट्री के दबाव में फैसले देता है, इमरान खान तगड़ी टक्कर देता है इस चुनाव में। वहीं का यूजर ने लिखा, विरोधियों के पसीने छुटा रखे थे बंदे ने। वहीं गौर यूजर ने लिखा, पाकिस्तान अब पूरी तरह अमेरिका की गिरफ्त में आ चुका है और अमेरिका की दिलचस्पी फौजी तानाशाही में है और ये फैसला सरकार का नहीं, पाक फौज और अमेरिका का है। सबसे खास बात ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देश में संसद और प्रांतीय विधानसभा की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर को मतदान हुआ और मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच था। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव अपनी लोकप्रियता को परखने का एक मौका था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को आप कैसे देखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।